दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में। हम भी आपके लिए उपस्थित है अपडेट फॉर लेटेस्ट न्यूज के साथ। हम बात कर रहे हैं अध्यापक समाचार की। दोस्तों अध्यापकों के लिए फिर से एक नया आदेश जारी हुआ है और उनके लिए कुछ और नए विकल्प प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें अपडेट खबर यह है कि अध्यापकों को भी बनवाना है डिजिटल जाति प्रमाण पत्र। तो क्या है डिजिटल जाति प्रमाण पत्र और क्यों बनवाना है, क्या है, आइए इस खबर को जानते हैं विस्तार से। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको ऐसी अपडेट और न्यूज मिलती रहे। दोस्तों अपडेट खबर निकल कर आ रही है भोपालसमाचार.com से। आयुक्त जनजाति विकास विभाग ने आदेश प्रसारित करते हुए निर्देशित किया है कि अध्यापक, संविदा शिक्षक और सभी विभागीय अधिकारी कर्मचारी अपना डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बनवा लें, साथ ही अपना आधार भी अपडेट करवा लें, क्योंकि कोषालय के HRMIS सिस्टम में सभी को ऑन बोर्ड किया जाना है। इसके लिए विभाग द्वारा MP ऑनलाइन, CSC, LSK व क्योस्क पर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से जानकारी प्रविष्ट की जानी है। यह प्रविष्टि आधार बेस्ड KYC के माध्यम से की जाएगी। अधिकारी और कर्मचारी की व्यक्तिगत जानकारी आधार व डिजिटल जाति प्रमाण पत्र से ली जाएगी। इसके लिए 30 जून तक की समय सीमा निर्धारित की गई है, अन्यथा इसकी स्थिति में पत्र के अनुसार वेतन आहरण रुक जाएगा। राज्य अध्यापक संघ के जिला शाखा अध्यक्ष DK सिंगोर ने बताया कि इसी आधार बेस्ड KYC के माध्यम से ही अंशदायी पेंशन योजना की राशि NSDL में जमा कराने की व्यवस्था की जा रही है। अध्यापकों के लिए यह जरूरी है कि NSDL एजुकेशन पोर्टल आधार और जाति प्रमाण पत्र में व्यक्तिगत जानकारी सही सही हो। NSDL खाते और आधार में जानकारी समान होने पर NSDL के खाते को आधार से ऑनलाइन लिंक भी करने का प्रावधान है। दोस्तों ये अध्यापकों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उन्हें भी अब डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा। यदि नहीं बनवाया तो उनकी जो है सैलरी रुक सकती है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप अपने जो है DO ऑफिस संकुल केंद्र वहां पर संपर्क करें, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों यदि आपके लिए अपडेट अलर्ट न्यूज़, इस प्रकार की अपडेट अलर्ट न्यूज़ प्राप्त करने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें नमस्ते इंडिया न्यूज़ को और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको ऐसी अपडेट अलर्ट न्यूज़ मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्ते इंडिया।